हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं यूपीएससी मेंस 2018 के मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि यस्टरडे यूपीएससी मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और उसमें से 6 to 7 स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गॉट पास्ड एंड समहाउ आई हेल्प देम। आई मीन दे आर सेइंग दैट समहाउ आई हेल्प देम। आई डोंट नो हाउ आई हैव हेल्प देम बट directly or indirectly they got benefited and so I feel blessed and with that suggestion I thought I should start a course for UPSC mains targeting for 2019 and 20 because there are few students who didn't qualify and they suggested ki sir you should start. So I thought let's do this because this paper is very scoring, you know, because see UPSC mains they don't need expert, right? उन्हें expert नहीं चाहिए, उन्हें they need कि ठीक है, this is the syllabus, this is the question, this is the answer, you have to write something in proper way, you have overview all ideas, right? आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, देश विदेश में क्या हो रहा है, आपके और सब चीजों में क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके लैंग्वेज में क्या हो रहा है, everything they need, सब जगहों से आपको नॉलेज होनी चाहिए। They don't need scholars, right? वो उन्हें हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा विद्वान नहीं चाहिए। So that thing should be clear. अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, that doesn't mean कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। यूपीएससी में बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। But मैथमेटिक्स का एक बेनिफिट ये है कि this is the paper where you can score very good if you have proper guidance, right? So guidance is very necessary in UPSC exam because syllabus is used. So first thing you have to declare कि what I don't have to study. आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये पहले आपको declare करना पड़ेगा. That's very important. And how one should study, that's also important. So that's what I'm saying. So don't demoralize, right? UPSC का exam हुआ है, mains नहीं निकला, no problem. Take a fresh start, right? Exam तो होते रहेंगे. अपनी कमी को देखो कि mains में क्यों नहीं हो पाया, क्या subject था, चाहे वो GS था या mathematics option था. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन्स द जो आपके जो जी एस सेक्शन है वो सभी के लिए सेम है. तो अगर दैट क्वेश्चन इज टफ देन इट्स टफ फॉर ऑल ऑफ देम. बट जो ऑप्शनल पेपर होता है दैट इज इन योर हैंड. अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करते हो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू. नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू हैव अ बैलेंस विद योर स्टडी ऑल द सब्जेक्ट. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर 100 out of 100. करेक्ट है ना? अगर आपका रीजनिंग करेक्ट है देयर यू कैन क्लेम लुक दिस इज माय आंसर. ठीक है, दिस बेनिफिट यू विल नॉट गेट इन अदर ह्यूमैनिटीज एंड अदर सब्जेक्ट्स. राइट, आई एम नॉट सेइंग दोज आर नॉट स्कोरिंग, दोज आर आल्सो स्कोरिंग, बट दिस इज द सब्जेक्ट वेयर यू हैव हायर चांसेस टू स्कोर वेल. ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप स्टॉप डिमोलाइजिंग योर सेल्फ कि मेरा मैथमेटिक्स बीएससी में ऐसा मार्क्स आया था, मेरे बीटेक में ऐसा मार्क्स आया था, या मेरे कुछ कारणवश प्लस टू में ऐसे मार्क्स आए थे. यूपीएससी को मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. यूपीएससी को चाहिए कि ये सिलेबस है, इसका आंसर आपने दिया है कि नहीं दिया है. दैट्स इट, टू द पॉइंट दे नीड आंसर. तो इसीलिए स्टॉप एंड थिंकिंग स्टार्ट. आई मीन आप स्टार्ट करो कि कैसे मुझे करना है और उसमें मैं जहाँ तक हो पाएगा I'll try to give my best, okay? So, इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली उसी टाइप से क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि आपको इस टाइप की चीज़ों को हेल्प किया जाए. आपको इस टाइप से आपको हेल्प करे कि देखो क्वेश्चन कितने आसान पूछे जाते हैं, बस आई शुड नो कि हाउ टू आंसर, हाउ टू राइट द आंसर. दैट्स ओनली थिंग टू डिमांड. क्वेश्चन इज वेरी इजी इवन दो दे आर नॉट अप उस लेवल की जो आप सोचते हो मैथमेटिक्स, उस लेवल की तो मैथमेटिक्स है ही नहीं. बहुत ही आसान लेवल की मैथमेटिक्स होती है. बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ टू राइट द आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. करेक्ट है, तो चलो उस टाइप की चीज़ों को वी विल सी कि हाउ वन शुड आंसर दिस एंड हाउ वन शुड अप्रोच एंड एट द एंड वी शुड हैव सम क्लियर पिक्चर. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग यूपीएससी मेंस 2018 एंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इफ यू हैव अ मैट्रिक्स 3x2 एंड बी वी मैट्रिक्स 2x3 then show that C equal to AB is similar matrix. Correct है? So बहुत ही straight forward question है. और यहाँ पे क्या question है कि A को 3x2 matrix है, B को 2x3 matrix है, so that C equal to AB is similar matrix. अब देखो यहाँ पे जो mathematician होते हैं, जो mathematics background से हैं, उनका ये demand होता है कि ये entries कहाँ से आ रहे हैं.
है ना, ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं कि रियल एंट्रीज हैं या किसी एक आर्बिट्री फील्ड से हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हो, यू डोंट हैव टू बॉदर इफ नथिंग इज मेंशन, एवरीथिंग इज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो ए जो है वो एक रियल मैट्रिक्स है जिसके एंट्री 3x2 है, बी भी एक रियल मैट्रिक्स है जिसकी साइज 2x3 है, और एक आप नया मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी, तो इसकी भी कुछ साइज होगी। व्हाट इज द साइज? 3x2 2x3, सो 3x3, so C is a square matrix of 3x3. So we can talk about what is it singular or not. If it is singular, prove it. So that's what we are asking. Show that this means it's going to be singular, and you have to give the correct reasoning. कि how one should answer कि that this matrix is singular. So let's see. Correct है? The question पहले समझ में आया कि हमें question बोला क्या है, हमें क्या proceed करना है और कैसे proceed करना है वो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आगे चलते हैं. So solution. How to approach this kind of problem? How to think? What will your approach? क्या हमें लिखना है? ये बहुत important है। इस question का answer हमें लिखना क्या है? So recall करो। तो पहले एक दो चीजें मैं recall करना चाहूँगा कि आपको ये सब चीजों में क्या-क्या जरूरत है और क्या-क्या जरूरत नहीं है। So एक बार आपने 3x2 matrix दे रखा है। So recall if तो आप यहाँ पे लिखो recall क्या रिकॉल करना है? इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, आप और अच्छे से लिखना चाहोगे दिस, इफ दिस इज एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, देन ए इज इन्वर्टेबल, ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टेबल तभी होता है जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और इन्वर्टेबल को ही हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। चूंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है, सो यू शुड राइट नॉन सिंगुलर। सो ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है? सो ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट दैट इज आई ए इज सिंगुलर if and only if rank of A is less than n, और A क्या है आपका n cross n matrix। तो ये सब basic facts हैं, आपको recall करने चाहिए। तो आप जब भी exam paper लोगे, you should have to mention कि कोई भी singular matrix है, तो वो singular matrix कब होगा? एक square matrix singular कब होगा? जब उसकी rank n से छोटी होगी। Now you don't have to define what is rank. These are the standard notations. Just you have to write this. Now let's come to the point. So this is the first point. And another point, आपको मैं यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ ताकि आपको clear कर पता चले कि क्या मुझे और लिखना है. So this is the two points I have written. Write the third point. कि if A is m cross n and B is m cross p and C is equal to AB and C is equal to AB, then rank of C is less than equal to minimum of rank of A and rank of B. Correct? ये चीजें आपको लिख, you don't have to prove, just you have to mention this argument कि product of a matrix की जो rank होगी वो maximum कितनी होगी, minimum of rank of A and rank of B. Now let's come to the third point. कि rank of size m cross n matrix is less than equal to minimum of m and n. Correct? तो अगर कोई size m cross n की कोई matrix है, उसका जो rank होगा that is less than equal to minimum of m and n. So all these four points I have written. This is the two points and पहले वाले दो point. So there are four points. These all four points you have to club together and write an answer to this question. Simple. So these facts you are using, you have to mention in the paper, because this is the only part you are going to. And you know the marks for this question is 20 marks. 10 marks का ये question है. And if you write this four argument, you will get 10 marks. ताकि उनको पता चल जाएगा कि you know everything. Correct है? तो अब चलो ये चीज आ गई. So these are the four facts, four results I have mentioned here, and you don't have to prove this theorem because I am going to use here. Correct है? Now so this thing आपको mention करना पड़ेगा. Now आ जाओ अपने point पे. So you have to prove that C is equal. Here A की size 3x2 है,
सो रैंक ऑफ 3x2 जो होगा वो मिनिमम होगा 3 और 2 में, 3 और 2 का मिनिमम साइज क्या है 2, करेक्ट है। सो रैंक ऑफ सी, सी इज 3x3 मैट्रिक्स व्हिच इज नथिंग बट रैंक ऑफ ए बी, और रैंक ऑफ ए बी जो होगा व्हिच इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, सो दैट्स लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड व्हाट इज रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2। सो यू हैव अ मैट्रिक्स सी 3x3 which rank is less than equal to 2 and should be less than 3, so rank of 2 जो होगा वो हमेशा 2 से छोटा है बराबर होगा, and 2 is always less than 3, so that implies by that theory my matrix C is inverted, so therefore rank of C is should be less than 3, that implies C is singular, proved. So that's what you have to write. You don't have to write any nonsense. You just have to write, you have to be to the point and you have to write this. And you will get 100% mark. That's what I'm saying. This is the only paper you can score 100% mark. Provided if you have a proper guidance. So that's what I'm saying. Guidance is very necessary. What you have to write and what you don't have to write. These two things are very necessary. So that's next guidance. Here's the rule of guidance. I know you know the rank, you know the everything, but you don't know how to articulate these things in a proper way. This is the way you have to write the answer. And there are various questions like this, right? So that's what I'm saying. Okay, this is the way to approach these kind of problems. So be positive. Exam kharab gaya, koi matlab nahi hai na. Mains kharab gaya, exam to achhe jayenge ya kharab to jayenge. Aap demoralize mat ho. Positive ho. Apne mehnat ko bekar mat hone do. Itna jo apne mehnat kara hai 1-2 saal se ya 3 saal se, usko bekar mat hone do. करेक्ट है ना, जो ड्रीम लेके आए हो कि बनना है तो बनना है, करेक्ट है ना, वो जो जज्बा है आईएएस बनने की या आपको पुलिस सर्विस में जाने की, मेंटेन दैट, है ना, अगले बार आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, सो वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू दैट एंड वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड बी वेरी नेसेसरी, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड स्टे पॉजिटिव, ओके, थैंक यू।